अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज कल मैं वैसे व्लॉग नहीं डाल रहा क्योंकि कुछ वजूहात हैं मेरी। एक तो ये है कि मेरे पास सेल फ़ोन भी अच्छा नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं क्या डालूं। मैं कहता हूँ वो व्लॉग बनाऊं जिसके ऊपर कैमरा भी अच्छा हो और आप लोग पसंद भी कर सको। पसंद इस तरह से कि जब अच्छी वीडियो होगी आपको सब कुछ सही से नज़र आएगा, तो धुंधला होता है, मैंने खुद भी देखा है, तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता। लेकिन आज कुछ मेरा व्लॉग बनाने का मकसद है, मेरी एक्साइटमेंट जो कंट्रोल भी नहीं हो रही आज, वो ये है कि मुझे व्लॉग बनाना ज़रूरी था, चाहे जैसा भी वीडियो है, लेकिन मैंने व्लॉग बनाना था। वो इसलिए था कि आज शाहरुख खान वन एंड ओनली माई बेस्ट, मेरा फेवरेट हमेशा से शाहरुख खान, तो बचपन से उसको पसंद करता हूँ। ज़िंदगी में बचपन से ही मेरा ख्वाहिश थी कि उसकी मैं मूवी एक बिग सिनेमा में, बड़े हॉल में देखूँ, बड़ी स्क्रीन पे देखूँ। तो खैर इसको अच्छा भी नहीं कह सकते कि मूवी है, लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं ना इंसान की हर तरह की विश होती है, पूरी करता है। तो आज इंशाल्लाह मेरी पूरी होने जा रही है वो ख्वाहिश। तो मैं जा रहा हूँ अलमिरकम मॉल, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको मैं दिखाऊंगा भी कि जब मैं टिकट ले लूँगा, तो इंशाल्लाह टिकट लेने जा रहा हूँ। तो बाकी शाहरुख खान को देखूँगा, जवान उसकी मूवी है जो आज रिलीज़ होनी थी और हो चुकी होगी, तो कुछ शो लग भी चुके होंगे, लेकिन मैंने माइंड बनाया हुआ रहा, ऑनलाइन मैं करता रहा टिकट बुकिंग, लेकिन ऑनलाइन मुझसे नहीं हो सकी वो। तो इंशाल्लाह अभी क्योंकि क्रेडिट कार्ड नहीं बना हुआ, तो क्रेडिट कार्ड कतर का चाहिए यहाँ पे, तो वो मेरे पास नहीं बना हुआ, 3 महीने लगेंगे मुझे, अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है तो फिर मुझे कुछ टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह गाइस वीडियो में बने रहे, इंशाल्लाह आपको मैं फिर दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह जब देखेंगे बड़ी स्क्रीन पे, मेरी तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं तो जब का मतलब होश संभाला है, शाहरुख खान को देखता था, उसकी वीडियोस देखता था, उसकी तरह कुछ एक्टिंग भी करता था, हालांकि मुझे नहीं आती, लेकिन अभी एक मौका मिला है, फेवरेट है, तो आपको जो चीज़ भी आपको पसंद आ तो फिर आप उसके लिए एक कोशिश भी करते हैं। तो मेरा हमेशा से ये था मिडल ईस्ट जाऊँगा या आउट ऑफ कंट्री जब भी जाऊँगा तो उसकी कोई मूवी देखूँगा, कोई क्या बल्कि जो भी रिलीज़ होगी, लेकिन अब कुछ बूढ़ा भी हो गया है वो, लेकिन बहरहाल शौक है ना, तो इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह आपको फिर जो है जब मिरका मॉल पहुँचेंगे टिकट ले लेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा टिकट भी, क्या प्राइस है ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी लिहाज से क्या है और कतर में क्या है। तो बस यही है, इंशाल्लाह अब इंतज़ार करते हैं मेट्रो का, मेट्रो आएगी तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बैठ के मिरका मॉल तक जाएंगे। तो दैट्स इट, इंशाल्लाह फिर बने रहिएगा। अभी काफ़ी बातें थी जो मैंने सोची हुई थी वो मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि आप कैमरे के आगे आके थोड़ा भूल भी जाते हैं, और वैसे भी थोड़ा भूलने की भी आदत है, मैं भूल जाता हूँ बातें। तो इंशाल्लाह बाकी देखते हैं मूवी, आपको फिर बताते हैं। बाकी आप ये शेव देख रहे होंगे बिल्कुल न्यू लुक, वो इसलिए क्योंकि कंपनी जिसमें मैं हूँ तो उसमें ये डिमांड थी कि फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच रेस्टोरेंट है, बल्कि कंपनी जिसने हायर किया उसका रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने कहा कि दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है हाथी मरता क्या ना करता, मजबूरी है तो उसके लिए करना पड़ा है इंशाल्लाह। दोस्त इनका नाम है हनीफ भाई और ये हैं शहबाज भाई दबंग। और हाँ भाई आप बताएं, आप मेरे लिए जा रहे हैं ना आज? शुक्रिया यार आपकी मोहब्बतों का। शाहरुख खान के लिए नहीं, अपने खान के लिए जा रहे हैं। सरमद खान के लिए, सरमद खान के लिए जा रहे हैं, शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अभी मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि गरीब लोग हैं ना हम, हमारे पास अभी गाड़ी वगैरह नहीं है, साइकिल भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है। वो यार वो छोटी सा स्कूटी भी मिल जाए ना वो भी काफ़ी है यहाँ पे, डबल सवारी बंद है उस पे। अच्छा बहरहाल 3 ले लेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल हनीफ भाई ठहरे हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, ये न्यूटेला बड़ी पसंद करते हैं। इंशाल्लाह चलें
फिर देखते हैं गाइस, बने रहिएगा वीडियो में। तो मिर्का माल पहुँचते हैं, अल्लाह करे टिकट भी मिल जाए, अभी ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है। है मिर्का माल, तो अभी हम मिर्का माल के अंदर इंटर हो गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत माल है, तो इसी में ही सिनेमा भी बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको फिर मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर वाली साइड पे सिनेमा है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पे आया हूँ तो पता कर गया था कि शाहरुख खान की मूवी कब रिलीज़ होनी है और यहाँ पे मतलब आप दिखाएंगे भी कि नहीं, तो ये सब देखा था। खैर फिलहाल आप लोग मिर्का माल देख लें। हाँ हाँ वो चलते आ जाओ चल, ये क्या बंद होनी, अब तो चलेगी भैया। ये देखें ये गाड़ी भी है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई जैसे बूढ़े बंदे हों ना चल सकते हों लेकिन वो फिर भी आ जाएं, हालांकि अमूमन बूढ़े बंदों को घर में आराम करना चाहिए और जो जवान होंगे वो ला कर देंगे, लेकिन बूढ़ों को होता है ना कि हमने भी जाना है, तो फिर वो चल तो नहीं पाते, फिर उनके लिए गाड़ी वाली सर्विस है। हाँ फूड कोर्ट देखें यार, फूड कोर्ट है किस साइड पे, ऊपर है ये, बस ये फूड कोर्ट है। बाकी देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत माल है, तो आप ये देखें, ये बच्चों के लिए रेलगाड़ी बनी हुई है। सिनेमा आ गया ब्रो, बस अभी सिनेमा की तरफ ही जा रहे हैं। सिनेमा का नाम क्या है, फ्लिक, एक तो स्लिप होता है फिसल जाना, फ्लिक का मतलब क्या होगा, पिघल जाना। वाह ये देखें, ये चेक करें, एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, जो भी कोई न्यू मूवी आनी हो। मैं जब नेक्स्ट पहले आया था कुछ दिन पहले, तो तब जवान का ट्रेलर आ रहा था यहाँ पे, तो अभी तो हाउस फुल ना हो बस मुझे ये टेंशन है। ये कैफ़े बना हुआ है, आप पॉपकॉर्न ये चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। तो अभी देखें आवाम आ रही है, ये देखें, ये अभी पता करते हैं टिकट का, तो आगे जाके तो इंशाल्लाह पता करते हैं शो का क्या टाइम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, जवान टिकट इज अवेल, जवान मूवी एसआर के टिकट, वेयर वी विल गेट टिकट फ्रॉम, फ्रॉम रेड से। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, जवान टिकट वन, जवान टिकट मूवी, जवान मूवी टिकट 7:35 PM फ्रॉम गैरली साइड इफ अवेल, डिस्प्ले ये सीट नंबर ब्रो, व्हिच सीट यू शुड टेक इन जे सीरीज, जे सीरीज विल बी बेटर ना ब्रो, व्हिच सीरीज विल बी बेटर, एच आर जे, एच में 12 नंबर वाली ले ले, ये सही है, कॉर्नर की सीट हो पीछे तो वो सही दिखे, एच 12 या जो ब्लू वाली बुक्स है या 1 7:35 Do you have 5 riyal? Do you have 5 riyal? No. ये देखें ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आप जवान का। थैंक यू, ये देखें हिंदी है, हिंदी ब्रो, इन हिंदी, इट्स रिटन इट, वी कैन गो नो दिस वन। ये देखें गाइस, दिखाना यार जरा टिकट, व्यूअर को दिखाऊं ना मैं टिकट। ये देखें फाइनली आई गॉट जवान टिकट, शुक्र है अल्लाह का, बस मिल गई मुझे स्क्रीन नंबर 6, ये सीट नंबर 12।
तो ज़िंदगी में पहली बार अपने पैसों से मैंने टिकट लिया। यकीन माने हमेशा कभी कज़न ने भरे, कभी किसने भरे, पहली बार अपनी खुशी के लिए ये लिए टिकट। मूवी का तो टिकट बुक हो गया, मैंने कहा कुछ आपको यहाँ का मंज़र दिखा दूँ मिरकम माल का। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है वीडियो बनाना। तो बाकी देखें ये ज्वेलरी शॉप्स, ये मिरका माल में ही आप लोग, तो ये भी आप समझ रहे हो कि किसी और जगह पे आ गए हूँ, वहीं मिरका माल है। तो तकरीबन यहाँ पे सब कुछ है माल में, क्योंकि आपको तकरीबन सब कुछ मिल जाता है। लाइक देखें गाइस, ये आप देख सकते हैं मिरकम माल, बहुत खूबसूरत माल बनाया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट माल इन कतर। ये मोबाइल की एक्सेसरीज रखी है। अब तो जो होगा वही होगा। गई ये देखें, ये वेजिटेबल फ्रूट्स और उसके बाद ग्रॉसरी मार्केट है पूरी मिरकम माल की, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप देख सकते हैं ये बनी हुई मार्केट, सब कुछ तकरीबन आपको मिलेगा यहाँ से। ग्रॉसरी शॉप है और साथ KR4 है, ये मीट तक भी यहाँ रखा हुआ है। और आप ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, टाइम हो गया खैर से 7:35 का टाइम था जवान मूवी का, तो अभी तकरीबन 7:15 है, तो 5-10 पहले पहुंचना पड़ता है। तो मैं पहुंच गया हूँ, मैं टिकट दिखाता हूँ आपको। ये है टिकट, इट्स अ जवान टाइम, सो लेट मी शो यू। बहुत एक्साइटेड हूँ हकीकत में यार, पहली बार शाहरुख खान को ना सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पे देखूँगा, तो वाकई एक्साइटेड होना तो बनता है यार। ये देखो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह दिखाता हूँ फिर गाइस। खैर से सिनेमा के अंदर इंटर हो चुका हूँ, 6 जो सिनेमा है वो इसमें जाके देखना है। तो यहाँ का जो है ये सिनेमा का सीन है, तो वो मेरी जो टिकट है H12, ये नंबरिंग है इसकी 12, तो ये टिकट है। तो ये अपने स्पेस पे आ गया हूँ मैं इंशाल्लाह। उस हाउस फुल हो चुका है, सारी आवाम भर चुकी है, शाहरुख खान का सिर्फ एक मैं नहीं काफ़ी सारे फैन हैं। तो अभी मूवी देखते हैं, तो उसके दरमियान में इंटरप्शन में नहीं चाहता, तो इसलिए बस अभी थोड़ा सा आपको बस इंट्रोडक्शन करवा के फिर मैं बंद कर रहा हूँ।
बधाई के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे पूछो वोट देने से पहले जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं उस उंगली के जरिए सवाल करो क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो देश की हेल्थ सर्विस सिस्टम को सुधारने के लिए गरीब किसानों की मदद के लिए कोई विक्रम राठौर या आजाद की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी उंगली ही काफी है। गाइस खैर से मूवी देख के मैं बाहर आ चुका हूँ तो मैं कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ आज की मतलब मूवी के बहुत आला थी SRK की मूवी जवान तो इसमें मतलब देखा जाए तो एक जो सबसे आला था वो सिस्टम को ठीक करने के लिए ना जैसे आजकल पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं सिस्टम नकारा है हर जगह पे तो उस सिस्टम के बारे में एक मतलब आगाही थी कि सिस्टम हम लोगों से ही बनता है मतलब उसने इसमें ये बताने की कोशिश की एंड में और बताया भी कि गवर्नमेंट को हम वोट तो देते हैं लेकिन हम सोचते नहीं हैं हालांकि हम छोटा सा भी कुछ लेने जाएं सौदा सेल तो तब हम कितना बहस करते हैं लेकिन जब हम वोट देते हैं तो मुंह उठा के किसी को भी दे देते हैं हमें ये नहीं पता होता वो कैसा है या किस तरह से है तो बहरहाल एक सिस्टम को ठीक करने के लिए जवान जिस तरह आर्मी का हम लोग बोलते हैं सोल्जर तो इस यहाँ पे जवान लव यूज़ करके उसके मतलब अबाउट बताया गया और सबसे अच्छा एक्शन फुल था हालांकि शाहरुख खान फुल रोमांटिक मूवीज़ बनाता है लेकिन उसकी लाइक डोंट टू मूवी की तरह मुझे फीलिंग्स आई इसमें कि जैसे उसकी डोंट टू मूवी के कुछ एक्शंस देख रहा हूँ उस तरह और सबसे आला गेटअप 5 गेटअप चेंज किए शाहरुख खान ने 5 गेटअप और जो उसने अपने आप को एक 50 साल अबव से हो के अपने आप को यंग दिखाया ना तो वो सबसे आसम था। बहरहाल मूवी बहुत आला थी रेकमेंड करूँगा जाके आप लोग ज़रूर देखें जवान बहुत आला थी बहुत ही आसम थी। बहरहाल बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम शाहरुख खान को सिनेमा में देख के बाकी वैसे तो मतलब मैंने मूवीज़ देखी हैं लेकिन शाहरुख खान को फर्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में बिग स्क्रीन पर देखा है बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही ज़्यादा तो हाउस फुल हुआ ये खुशी हुई कि शाहरुख खान का मूवी थी और हाउस बिल्कुल फुल हो गया और अभी भी जब मैं बाहर निकलूँ तो लोग रिव्यू लेने के लिए ठहरे थे कि कैसी थी मूवी मैंने सबको रेकमेंड की देखें और लोगों ने टिकटें ली हुई थी मुझे उम्मीद है जितने दिन चलेगी हाउस फुल ही रहेगा बहुत आला मूवी थी बहरहाल फुल रिव्यू मतलब सेटिस्फेक्शन मूवी बहुत आला थी। ओके गाइस दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।